हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में करता हूं। दोस्तों शादी ब्याह का सीजन है। बिल्कुल आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रहा होगा। ये कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, ये हमारे यहाँ एक बारात चढ़ रही है तो उसका एक साउंड आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस धुन के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वीडियो बनाया गया है वो आरआरबी एनटीपीसी 35277 में टोटली इसके ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं, जो सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में आए, कमेंट्स से मैंने पढ़े, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं क्या बच्चों ने मुझसे पूछे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूं। हालांकि मैं सजेस्ट कर चुका था, पर मैं आज आपको ढंग से सजेस्ट करने वाला हूं इसमें। ठीक है, जिस जोन से फॉर्म भरें क्या रिटर्न वही होगा, ये दूसरा डाउट था। ठीक है, ये दूसरे डाउट का जवाब भी आपको दिया जाएगा। सीबीटी 2 में अगर किसी लेवल में फेल हुए तो अन्य लेवल्स में क्या रहेगा, मतलब सीबीटी 2 में अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग होगा ना, तो एक में फेल हो गए तो बाकी लेवल में भी फेल माने जाएंगे या उनमें पास माने जा सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है लगातार। टाइपिंग टेस्ट में मैंने क्लैरिटी नहीं दी पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन शामिल कर लिया। बच्चों ने बहुत कमेंट किया, टाइपिंग टेस्ट किस में देना होगा, हिंदी में, इंग्लिश में या दोनों में। तो दोस्तों सिर्फ एक में, कोई से एक में दे सकते हो टाइपिंग टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं देने हैं। ठीक है, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये इसका जवाब इतना ही है बस। सेवर्ण आरक्षण में 10% सर्टिफिकेट का क्या होगा, कैसे बनेगा, कब तक चाहिएगा, तो वो बातें मैं करूंगा। यदि A2 मेडिकल में फेल तो बाकी में लिया जाएगा या नहीं, बहुत सारे मेडिकल होने हैं, बहुत सारे टाइप के, अगर एक तरह के में फेल भी कर दिया तो बाकी में फेल तो नहीं मान लिए जाएंगे, ऐसा कुछ। CBT1 क्या क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा या फिर आपका। देखिए दोस्तों आवाज ज्यादा शोर तो नहीं मच रहा ना, बारात चढ़ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, शादियों का सीजन चल रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है किस जोन से फॉर्म भरें। दोस्तों मैं इसमें मानता हूं कि तीन तरह के बच्चे होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप तो वो बच्चे होते हैं कि जिस जोन में, फर्स्ट टाइप के ज्यादा होते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस जोन में सबसे कम मेरिट गई थी पिछली बार, या किस जोन में सबसे कम जाती है, आप उस जोन को हमें बता दीजिएगा, हम उसमें फॉर्म डाल देंगे। तो कम मेरिट वाले बच्चे, कम मेरिट ढूंढने वाले बच्चे, तो वो मैं आपको मेरिट दिखाने वाला हूं हर जोन वाइज। फिर सेकंड टाइप के बच्चे किस तरह के होते हैं, किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है, तो वो ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि जिसमें वैकेंसी ज्यादा है उसकी मेरिट डाउन जाएगी। तो सेकंड टाइप के भी लोग काफी होते हैं, और सबसे कम होते हैं थर्ड टाइप के लोग कि मुझे तो अपने एरिया में ही रहना है, यानी जो मेरे जैसे लोग होंगे आलकसी, वो तो ऐसे ही है कि भाई मुझे नहीं जाना कहीं भी, यहां आता हो नंबर तो ठीक है और नहीं तो कहीं के भी नहीं। तो वो थर्ड टाइप के लोग हैं, तो उनके उनका एक अपना अलग अंदाज है भाई, शाही अंदाज में जीना चाह रहे हैं थर्ड टाइप के लोग, तो वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। मैं सारे में आपको जवाब देता हूं, ठीक है, और बाकी फिर जो आपको अच्छा लगे वो ओपिनियन चुन लीजिएगा, आपका जैसे मन करे वैसे चुन लीजिएगा। नौकरी आपको करनी है, किसी का सजेशन मत मानो, मैं आपको दिखा देता हूं आपके तीनों ही क्वेश्चंस का जवाब। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, फर्स्ट टाइप के जो बच्चे हैं वो ये रहे। आरआरबी इलाहाबाद की वैकेंसी, मतलब लिस्ट कितने कितने पे गई थी, जनरल ओबीसी एससी एसटी आप देख सकते हैं, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लायक कौन सा है। ठीक है, इलाहाबाद की पहले भी सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, फिर भी मेरिट इतनी गई थी, आप देख सकते हैं सब कुछ। तो बाकी आप देखिए और भी देखिए, चंडीगढ़ की तो सबसे हाई फाई मेरिट जाती है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं और जगह की भी, तो जो दिल्ली आता है ना, दिल्ली जो दिल्ली एनसीआर, ये पूरा चंडीगढ़ में आता है। ठीक है, इसलिए हाई फाई जाती है आरआरबी वाइज मेरिट, मैंने आपको बताई है। जम्मू की बहुत कम, जम्मू से आप भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जम्मू के लोग ही भरेंगे, ये भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तब मैं श्योर नहीं था, लेकिन अब मैं श्योर हूं कि जम्मू से कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं मेरिट आपने देख ली है। बहुत कम अगर मैं बोलूं तो मालदा की बहुत कम जा रही है, ठीक है, और मैं अगर आपको बताऊं तो गुवाहाटी की बहुत कम जा रही है, मुजफ्फरपुर की बहुत कम जा रही है। तो इस तरह के आप जोन अपने लिए छांट सकते हो, यानी बंगलौर की बहुत कम जा रही है, पटना की बहुत कम जा रही है, रांची की बहुत कम जा रही है। तो इस तरह के जोन अपने लिए अगर आप इस तरह के बच्चे हो फर्स्ट टाइप के तो छांट लीजिएगा, जॉन के प्रीफरेंस आप दे दीजिएगा इस तरह से आरआरबी की प्रीफरेंस। सेकंड टाइप के जो बच्चे हैं वो आ जाइएगा, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी हैं, तो वो वैकेंसी मैंने पिछले वीडियो में भी बता दी थी और इसमें भी बता रहा हूं। 4099 टोटल पोस्ट है, इनमें 12th पास की 952 है। ग्रेजुएशन लेवल की आपको चाहिए तो इसमें से माइनस कर लेना 4099 में से 952, तो वो ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। और ज्यादा जानकारी लेनी इस लेवल की, कोई क्या है लेवल में, क्या है, कौन कौन से हम 12th पास बच्चे हैं, कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों जो पासिंग मतलब जो अपीयरिंग है ना ग्रेजुएशन में, वो फॉर्म ग्रेजुएट वाला नहीं भर सकते, वो सिर्फ वो 12th वाला ही फॉर्म भर सकते हैं जब तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो ये वैकेंसी वाले हैं बच्चे, की वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म भरेंगे हम। अब आपको ये छांटना है किस जोन में सबसे कम मेरिट गई थी और उस जोन में वैकेंसी भी कौन से में ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप अपना छांट लीजिएगा। अगर आपको इंडिया में कहीं भी नौकरी करने से दिक्कत नहीं है तो आप छांट लीजिएगा वैकेंसी वाइज, कोई टेंशन नहीं है। अब थर्ड टाइप के बच्चों पे आ जाता हूं। थर्ड टाइप दोस्तों आलकसी लोग होते हैं मेरे जैसे, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई हमें नहीं चेन्नई नहीं जाना, भाई चेन्नई मेरिट डाउन जाएगी, नहीं जाना बंगलोर, नहीं जाना, या हमें और भी बहुत सारी जगह नहीं जाना क्योंकि हमें ना तो वहां का खाना पसंद आएगा, ना हमें जीने में मजा आएगा, ना नौकरी करने में मजा आएगा, फिर सोचेंगे उसको छोड़ने की। तो दोस्तों उससे अच्छा है कि फिर अपने जोन में कड़ी मेहनत कर ली जाए, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली जाए, तो अपने आरआरबी में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, अब आप कहो जी हम अपने आरआरबी, हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा आरआरबी है, तो दोस्तों इतना कष्ट कर लेना, आपके आसपास कोई रेलवे स्टेशन हो उस पर पूछ लेना कि आप कौन से आरआरबी के अंडर आते हो। तो ये मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया अपने आरआरबी में भरने का, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सब लोग आपको, देखिए मैं ही अकेला नहीं दिखा रहा हूं ये वीडियो, हो सकता है बहुत लोगों ने बना दिए हो, आपको कम मेरिट वाली दिखा दी हो, वैकेंसी वाली दिखा दी हो, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि सभी लोग दिखाएंगे, बहुत लोग जो मान लीजिएगा यूपी का है वो भी बेंगलोर भगेगा, जो दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है, हरियाणा का है, वो भी बेंगलोर भग जाएगा, वो भी मालदा भग जाएगा, तो सब जगह वही भर लेंगे लोग। अब क्या होगा कि ऐसे लोग उस मेरिट को अब चढ़ाएंगे नहीं बहुत ज्यादा, तो अपने बराबरी कर लेंगे। हो सकता है इलाहाबाद के बहुत लोग उधर जाके भाग गए हों और इलाहाबाद में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, इलाहाबाद की मेरिट भी उतनी चली जाए और मालदा की भी उतनी ही मेरिट चली जाए, ठीक है, या एक आध नंबर का फर्क हो, तो दोस्तों आप पछताओगे ही तो सही फिर मालदा में जाके, क्योंकि जिंदगी भर वहां नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, आपको पता ही है, अपने घर से तो दूर हो ही फाइनली, ठीक है, ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं होते हैं एक बार आरआरबी मिलने के बाद, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, मैं तो सजेस्ट करूंगा अपना जोन सेलेक्ट करो, जी तोड़ के मेहनत कर दो, बहुत है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब दूसरे डाउट पे आता हूं, जिस जोन से फॉर्म भरें क्या रिटर्न वही होगा। दोस्तों आप चाहे बंगलोर फॉर्म भर लो, चाहे चेन्नई फॉर्म भर लो, चाहे गुवाहाटी फॉर्म भर लो, कोई समस्या नहीं है, आपका रिटर्न आपके शहर में ही हो जाएगा, आपके सारे काम अपने शहर में ही हो जाएंगे, CBT 1 भी, CBT 2 भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जोन कोई सा भी भरिए, सारे काम आपके अपने आसपास ही होंगे, अपने आसपास के सिटी में होंगे, जैसे ग्रुप डी वगैरह में हुआ है बच्चे, पूछ लीजिएगा आप, ग्रुप डी किसी ने चेन्नई भरा है तो अपने जोन में ही हो गया, आसपास ही, कोई कहे जी हम तो 100 किलोमीटर दूर गए थे, तो वो तो कोई बात नहीं, आपके आसपास सेंटर खाली नहीं रहा होगा, तो 100 किलोमीटर दूर नहीं है, चेन्नई तो आपका 2000 किलोमीटर बैठेगा ना, वहां तो नहीं भेजा ना भाई। चलिए, तो CBT 2 में अगर किसी लेवल में फेल हुए तो अन्य लेवल में क्या रहेगा, तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इसमें कि लेवल 2 में जो है, अगर आप लेवल 2 में फेल हो गए हो मान लो, क्योंकि CBT 2 हर लेवल के लिए अलग अलग होगा, अगर आपने सारी प्रिफरेंस भर दी है, सारी पोस्ट के लिए फिल किया है, आप ग्रेजुएट हैं, सारी पोस्ट के लिए फिल किया है और आप CBT 1 में क्वालिफाई कर गए हैं सबके लिए,
तो दोस्तों सबके लिए क्वालिफाई कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। सीबीटी वन सबका एक ही होना है टेस्ट, इसमें 7 गुने बच्चे लिए जाएंगे वैकेंसी के, सॉरी 20 गुने बच्चे वैकेंसी के लिए जाएंगे, तो करीब 7 लाख बच्चे पास किए जाएंगे सीबीटी वन में। थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, रेलवे का अधिकार है, ठीक है, हर भर्ती का अधिकार होता है एजेंसी का, ठीक है। 7 लाख बच्चे हम मान सकते हैं लिए जाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ग्रेजुएशन से फॉर्म भर दिया है कि हम कौन से लेवल के लिए क्वालिफाई हुए हैं? तो ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिएगा 60 मार्क्स लाते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, अगर 60 मार्क्स लाते हैं तो आपको पता लगा कि आप लेवल 2 के लिए भी क्वालिफाई हैं और लेवल 3 के लिए भी। अगर आप 65 मार्क्स लाते हैं तो आप लेवल 4 के लिए भी क्वालिफाई, आप लेवल 2 के लिए भी, लेवल 3 के लिए भी, लेवल 4 के लिए भी, और अगर आप 70 मार्क्स लाते हैं तो आप 2, 3, 4, 5, 6 सभी के लिए क्वालिफाई हैं। मान लीजिएगा आपके 70 नंबर आए, ठीक है, और 70 वाला बच्चा सभी के लिए क्वालिफाई है, तो आप सभी के लिए क्वालिफाई हो गए 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसका मतलब आपके सीबीटी 2 के कितने पेपर होंगे, 5 पेपर आपको देने होंगे, 5 पेपर आपके होंगे, 5 पेपर, समझना इस बात को, 5 पेपर होंगे। और मैं कहता हूं कि आप सीबीटी 2 में लेवल 6 को क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, लेवल 4 को क्वालिफाई नहीं कर पाए, या आप इसमें एब्सेंट रहे और इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा हार्ड लेवल आएगा इसमें, ठीक है। 5 देखिए लेवल कैसे बढ़ेगा, सीबीटी 2 का एक सा पेपर नहीं आना, ये थोड़ा कम लेवल का हार्ड आएगा, ये थोड़ा ज्यादा लेवल का, ये थोड़ा और ज्यादा लेवल का आएगा। सब में क्या क्या, मैथ्स आएगा, मैथ्स 35 का, रीजनिंग 35 की, और जीके क्या, जीके आएगी 50 की, ये आना है सीबीटी 2। सीबीटी 1 क्या है, 30, 30, 40, ठीक है, यही चीज आनी है। लेकिन दिक्कत क्या रहेगी कि यहां पर आपको, देखिए यहां पर आपको थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा, सीबीटी 1 तो सबके लिए एक सा है, तो लेवल 2 के लिए जो सीबीटी 2 आएगा वो थोड़ा आसान आएगा, इसमें थोड़े और मुश्किल हो जाएंगे, इसमें थोड़े और मुश्किल, 6 में खूब मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि भाई पोस्ट भी तो बड़ी है ना, तो अब आप 6 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, 4 में आप एब्सेंट हो गए, तो आप 2, 3, 5 इन लेवल की जॉब अभी भी आपको मिल सकती है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 में डिस्क्वालिफाई हुए, या आप बोलो कि हम तो 2 में डिस्क्वालिफाई हो गए, क्या आप इनमें भी क्वालिफाई हो सकते हैं? हाँ, आप 2 का देने ही मत जाओ, एब्सेंट हो गए, इसको भी मत दो चाहे तो, इसमें डिस्क्वालिफाई, इसमें डिस्क्वालिफाई, इस पे भी क्वालिफाई हो सको, आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली मान लो, या आप सोचो हम पे तो आसान क्वेश्चन आते ही ना, हम पे तो हार्ड, यहाँ हार्ड करने की आदत है, तो फिर आप इसमें क्वालिफाई हो गए, एक मजाक कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपकी किस्मत भगवान ने उंगली पकड़ ली आपकी है, खुद ही लगाते चले गए भगवान जी, गोलन ने खुद ही भरते रहे, तो भाई फिर तो आप 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसमें फिर आपका हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई होगी बात, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। और सीबीटी 2 में क्या होगा, जैसे यहां पर 20 गुने बच्चे पास किए हैं, सीबीटी 2 में 8 गुने बच्चे पास किए जाएंगे वैकेंसी के, तो आप समझ सकते हैं कि 2,80,000 करीब करीब बच्चे पास किए जाएंगे सीबीटी 2 में। और ये 2,80,000 किसके लिए पास होंगे, किसी में टाइपिंग टेस्ट है, किसी में सीबीएटी है, ये कौन सा है, सीबीटी 3 बोल रहे हैं बहुत बच्चे इसको। तो दोस्तों ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आप ये मान सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ एक तो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के लिए होगा, लेवल 6 में भी 2 पोस्ट है, ठीक है, और एक होगा अप्रेंटिस की भी है लेवल 6 में, और एक दोस्तों होता है ये ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। अगर आप सीबीएटी नहीं देंगे मान लीजिएगा, तो आप ये नहीं है कि लेवल 6 की जो दूसरी जॉब है अप्रेंटिस की उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, उसके लिए तो सीबीटी 2 आपने पास कर लिया, आप क्वालिफाई है, आपको देने की जरूरत नहीं है सीबीएटी, आपको वो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट लेना है तो सीबीएटी भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को भी समझ गए होंगे, सीबीएटी यानी तीसरा जो सीबीटी है वो सबका नहीं होगा, वो उनका होगा जो लेवल 6 के लिए और लेवल 4 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, और लेवल 6 में भी स्टेशन मास्टर चॉइस भर रखी है, तो 4 में तो सिर्फ एक ही चॉइस है ट्रैफिक असिस्टेंट,
और कोई नहीं है लेवल फोर में पोस्ट। अब बात आती है सेवर्ण आरक्षण में 10% सर्टिफिकेट का क्या होगा, तो दोस्तों इसमें कोई डेट, अगर मैं सही हूं तो कोई डेट मेंशन नहीं किया कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्म में भरना है यस और नो, क्या आप उसके सेवर्ण आरक्षण में आते हैं, 8 लाख से कम इनकम है परिवार की तो आप कहोगे यस, तो आपको ये आरक्षण मिल जाएगा। इसमें कोई एज में छूट नहीं मिलेगी आपको, इसमें सिर्फ वैकेंसी में आपको छूट मिलेगी थोड़ी सी, मतलब आपकी मेरिट डाउन जा सकती है जनरल के मुकाबले, ठीक है। तो ये है बस, तो आप तब तक बाद में बनवा लीजिएगा जब वो मांगेंगे। चलिए नेक्स्ट है, यदि A2 मेडिकल में फेल हो तो बाकी में लिया जाएगा या नहीं, बिल्कुल लिया जाएगा दोस्तों, A2 में आप फेल हैं, ठीक है, तो आप A3 के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं है, बी, अब मान लो इसके लिए भी क्वालिफाई नहीं है तो आप B2 के लिए क्वालिफ, इसमें तो सभी हो जाते हैं, और B3 तो ऐसा है, वो सॉरी C2 तो ऐसा है इसमें तो कोई फेल होगा ही नहीं, ये तो भाई कलर विजन सब चलेगा, इसमें भी कलर विजन दौड़ेगा, तो ये सब चलता है, कलर विजन वाले इन दोनों को भरें। ये B2 C2 किसमें चाहिए मेरी पिछले वीडियो में देख लो, उनमें लिखा हुआ है B2 किसमें चाहिए C2 किसमें चाहिए, उन पोस्ट को भर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप A2 में फेल हो गए तो बाकी में फेल है, नहीं, आपके आगे लिख दिया जाएगा कि ये A2 के लिए क्वालिफाई नहीं है, बाकी वैकेंसी में जिसमें A3 चाहिएगा, आप A3 पास कर गए हैं तो जिस वैकेंसी में A3 चाहिए तो उसमें आप पास कर जाओगे। देखो जो आपने A2 पास कर लिया तो आपने सारे पास कर लिए, जो समझ लो A2 सबसे हार्ड है, अगर आपने A3 पास कर लिया तो आप A2 वाली के लिए डिस्क्वालीफाई हैं, B2 में भी चलोगे C2 में भी चलोगे, और अगर आपने B2 पास किया तो आप A3 में भी नहीं दे सकते, A2 में भी नहीं दे सकते, B2 पास किया तो B2 दे सकते हो C2 दे सकते हो, और आप केवल C2 के लिए ही क्वालिफाई हुए हैं तो आप इन तीनों में जो भी जिस पोस्ट में चाहिए तो उसमें नहीं। ये कहां से पता चलेगा दोस्तों, ये आपको डॉक्टर खुद लिखेगा, रेलवे खुद मेडिकल कराएगा, चल ठीक है। CBT1 क्या क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बिल्कुल दोस्तों 20 गुने बच्चे ले लेंगे और उस मेरिट का फिर कोई अर्थ नहीं है, चाहे कोई 90 लाता हो, चाहे कोई 70 लाता हो, चाहे कोई 95 लाता हो 100 में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है याद रखना, ठीक है। तो अब इनका कोई फर्क नहीं, 70 वाले का भी मान लो CBT1 क्वालिफाई है और 90 वाले का भी, तो फिर दोनों बराबर है। आगे CBT2 के आधार पर होगा 8 गुने बच्चे, CBT1 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, बातें समझ में आ गई है मेरी उम्मीद कर। देखिए CBT2 से ही मेरिट बनेगी, मान लीजिएगा 8 गुने बच्चे लिए टाइपिंग पास कर गए और अब भी 70,000 बच्चे पास हो गए टाइपिंग वाइपिंग सबसे मिला के, तो फिर वो मेरिट बनाएंगे CBT2 से ही, ठीक है, इसी से छटनी करेंगे दोबारा फाइनल मेरिट में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी मेरी बात, आपको किस जोन से फॉर्म भरना है वो भी मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, आपका जहां मन करे वहां फॉर्म भर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी क्लास भी दूंगा आपको, प्रैक्टिस सेट CBT1 17/10 को देने वाला हूं, 3 को देने वाला हूं बहुत जल्द, CBT1 आपका टेस्ट पेपर उसी लेवल का उसी तरह का पेपर आने वाला है आपका, आपकी स्क्रीन पे घर बैठ के देखो हम कहां तक हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा इस पेपर में अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो फिर आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा, मतलब इस पेपर में अगर आप 70 मार्क्स कर जाते हैं CBT1 क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, और मैं पेपर होने के बाद बात करूंगा, ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, 17 का वेट कीजिएगा और बाकी तैयारी शुरू करेंगे धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2-4-6 दिन में मैं तैयारी करने के लिए पूरी क्लास लेके आ जाऊंगा ढंग से।